हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार यूवी कॉम्पिटिशन्स चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोजाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूं डेली करंट अफेयर्स जीके, जो कि आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में अपडेट्स हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज 31 मार्च 2019 के करंट अफेयर्स की हम बात करते हैं। साथियों, डेली करंट अफेयर्स के लिए यदि आपने हमारा चैनल यूवी कॉम्पिटिशन्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसके साथ ही यदि आप राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने की इच्छा रखते हैं तो उसके लिए अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए साथियों, शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले बात करते हैं डिफेंस न्यूज रक्षा समाचारों की। द थर्ड एडिशन ऑफ द बाइनियल बायलेटरल एक्सरसाइज AUSI इंडेक्स 90 बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया विल बी हेल्ड इन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विवार्षिक द्विपक्षीय अभ्यास ओस इंडेक्स 19 का तीसरा संस्करण आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज अंतर्राष्ट्रीय समाचारों की। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैज बीन कन्फर्म्ड विद द हाईएस्ट स्टेट ऑनर ऑफ बोलिविया कॉन्डोर डी लॉस एंडेस इन इल ग्राडो डी ग्रैन कोलर ड्यूरिंग हिज विजिट टू बोलिविया। प्रेसिडेंट ऑफ बोलिविया इवो मोरालेस अवार्डेड हिम द ऑनर एट ए फंक्शन हेल्ड इन सांता क्रूज ऑन द सेकेंड डे ऑफ प्रेसिडेंट थ्री डे विजिट टू बोलिविया। इंडिया एंड बोलिविया साइंड 8 MOU इन द फील्ड ऑफ कल्चर वीजा वेवियर अरेंजमेंट फॉर डिप्लोमेट्स एक्सचेंज बिटवीन डिप्लोमेटिक अकेडमीज माइनिंग स्पेस ट्रेडिशनल मेडिसिन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन IT एंड बायो ओशियन रेलवे प्रोजेक्ट। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बोलिविया की यात्रा के दौरान बोलिविया के सर्वोच्च राज्य सम्मान कॉन्डोर डे लॉस एंडीज एन एल ग्रेडो डी ग्रॉन कॉलर से सम्मानित किया गया है। सांता क्रूज में आयोजित एक समारोह में बोलिविया के राष्ट्रपति इवो मोरालेस ने उन्हें सम्मानित किया। राष्ट्रपति के 3 दिवसीय बोलिविया दौरे के दूसरे दिन भारत और बोलिविया ने सांस्कृतिक क्षेत्र में 8 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए, जिसमें राजनयिकों के लिए वीजा माफी व्यवस्था, राजनयिक अकादमियों के बीच आदान प्रदान, खनन, अंतरिक्ष, पारंपरिक चिकित्सा, IT में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस केंद्र की स्थापना और महासागरीय रेलवे परियोजना शामिल है। नेक्स्ट बात करते हैं अवार्ड्स पुरस्कारों की। स्विस बेस्ड NRI साइंटिस्ट डॉक्टर राजेंद्र जोशी हैज बीन कन्फर्ड विद द प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद। स्विस स्थित NRI वैज्ञानिक डॉक्टर राजेंद्र जोशी को भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं बिजनेस और इकोनॉमिक न्यूज, व्यापार और अर्थव्यवस्था समाचारों की। स्टेट ओवन्ड पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन हैज कंप्लीटेड द एक्विजिशन ऑफ मेजोरिटी स्टेक इन REC लिमिटेड बाय ट्रांसफरिंग 40,500 करोड़ रुपीज टू द गवर्नमेंट। दिस एक्विजिशन एंड मर्जर विल मेक PFC सेकेंड लार्जेस्ट गवर्नमेंट ओवन्ड फाइनेंशियल प्लेयर इन द कंट्री बेस्ड ऑन द करंट मार्केट कैपिटल आफ्टर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI एंड ऑल्सो PFC विल बी द थर्ड हाइएस्ट प्रॉफिट मेकिंग फाइनेंशियल प्लेयर इन इंडिया। राज्य के स्वामित्व वाली पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन PFC ने सरकार को 14,500 करोड़ रुपये हस्तांतरित करके REC लिमिटेड में बहुमत हिस्सेदारी का अधिग्रहण पूरा कर लिया है। दोनों संस्थाओं का विलय अगले वित्तीय वर्ष में सरकार के परामर्श को पूरा किया जाएगा। इस अधिग्रहण और विलय से भारतीय स्टेट बैंक के बाद मौजूदा बाजार पूंजी के आधार पर देश में PFC दूसरी सबसे बड़ी सरकारी स्वामित्व वाली वित्तीय निगम बन जाएगी और साथ ही PFC भारत में तीसरी सबसे अधिक लाभ कमाने वाली वित्तीय निगम होगी। नेक्स्ट, स्टेट ओवन्ड गैस यूटिलिटी गेल इंडिया लिमिटेड हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल फॉर कॉरपोरेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ सोलर पावर प्रोजेक्ट्स। राज्य के स्वामित्व वाली गैस उपयोगिता गेल इंडिया लिमिटेड कंपनी ने सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विकास में सहयोग के लिए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट, द फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज डिसाइडेड टू कीप द इंटरेस्ट
rate unchanged on small saving schemes. For the 3 months period beginning April 1st, the announcement covers small saving schemes. वित्त मंत्रालय ने 1 अप्रैल से शुरू होने वाली 3 महीने की अवधि के लिए छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर को अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया है। और लास्ट न्यूज है ऑप्टोरीज निधन की बात की जाए तो वेटरन जर्नलिस्ट एंड एकेडमिशियन प्रफुल्ला राजगुरु पास्ड अवे एट द एज ऑफ 82। राजगुरु ऑथर्ड फॉर बुक्स एंड वाज ए मेंबर ऑफ सेवरल सोशल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक द एसोम साहित्य सभा। व्योवृद्ध पत्रकार और शिक्षाविद प्रफुल्ल राजगुरु का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। राजगुरु ने 1997 में जोरहट के DCB गर्ल्स कॉलेज में अंग्रेजी विभाग के प्रमुख के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे। राजगुरु ने 4 पुस्तकें लिखी और असम साहित्य जैसे कई सामाजिक संगठनों के सदस्य थे। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के मुख्य समाचार जो कि आपका करंट अफेयर्स है, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब यूवी कॉम्पिटिशन चैनल एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन अकेडमी इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।